सर एक्चुअली देखा जा रहा है कि बंगाल में काफ़ी बीजेपी को टॉर्चर किया गया है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम बात करें तो आपके हिसाब से उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे? देखिए, एक तो जनता इसका जवाब मतदान के द्वारा दे रही है, दूसरा हम जन आंदोलन के द्वारा ममता बनर्जी को यहाँ सत्ता से हटाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के 40 विधायक किसी भी समय पार्टी छोड़ सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि 23 तारीख को लोकसभा के नतीजे के बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री बनेंगी, शारदा नारदा घोटालों में जांच के लिए जांच एजेंसियों का चक्कर लगाएंगे। आपको लगता है कि शारदा का चीज़ है, शारदा स्कैम सबके सामने वापस आपके सामने खुलासा होगा? देखिए, शारदा का पूरा खुलासा होगा, इसमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और गरीब और आम आदमी के मेहनत के पैसे को लूटा गया है। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, एक बड़ा पाप है। आप जिन लोगों के मेहनत कस लोगों के पैसे को लूटा है और उससे जिस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार ने संरक्षण दिया है, वह देश के इतिहास में एक अपवाद स्वरूप घटना है। आपको लगता है कि इस बार बीजेपी पूरी सत्ता में आएगा, इस बार पूरे बहुमत के साथ आएगा? भारतीय जनता पार्टी को 300 के करीब अपने आप में सीटें मिलेंगी और एनडीए की सीटों की संख्या 340-350 के करीब होगी। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही आप देखें कि द बंगाल इनके साथ राकेश सिन्हा बात करते हुए, रिपोर्टर प्रीति सिंह।